हाँ दिखाओ इसमें, इधर वाला हाथ दिखाओ, हाँ दिखाओ। नहीं, सर पे हाथ रखने से नेगेटिविटी कैसे हाथों में आ रही है, यही चीज है जो वैज्ञानिकों को हम दिखाना चाहते हैं, डॉक्टरों को हम दिखाना चाहते हैं, सारे संसार को हम बताना चाहते हैं नेगेटिविटी है शरीर में रहती है और कैसे नकारात्मक ऊर्जा दोनों हाथों में इनकी आती हुई है। देखो एक के सर पे हाथ रख के मंत्र पढ़ रहे हैं तो मंत्र शक्ति क्या परेशानी दे रही है कि शरीर में मंत्र कैसे काम कर रहा है और कैसे क्या हो रहा है इन सब के लिए। भैया जैसे आप जाप कर रहे हो इनके बॉडी में मंत्र दूत है, जैसे बहन जी है उनको कम प्रॉब्लम है, उसके शरीर में एक मंत्र दूत है, इनके बॉडी में तीन मंत्र दूत है, दोनों के प्रेत खत्म हो चुके हैं, उसको हल्की सी मलिनता है तो उसकी आंखों में रमक है, जी ये वाली बहन जी बैठी है इसमें मुस्लिम प्रेत है उसमें हिंदू प्रेत है, दोनों के प्रेत खत्म हो चुके हैं काफी हद तक। देखो अब इनका ये दूसरे वाला हाथ नेगेटिविटी सर पे हाथ रखने से बाहर जा रही है, ये चीजें देखने की होती है और यही चीजें शोध का विषय है, आपकी नेगेटिविटी को हाथों में लेके आना, उसको बाहर निकालना और उस नकारात्मक ऊर्जा को दिखाना दर्शाना शो करना, ये मनु भैया ने बहुत पहले कर दिया है। आपकी मुट्ठी में लौंग देके, इलायची देके, नींबू देके और कपूर देके ये हमने प्रक्रिया जारी की थी, अब इसको बहुत सारे लोग नकल भी करते हैं, मैं ये कहूँ ये जरूरी भी है, वो नकल भी कर रहे हैं तो उसमें अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं और जरूरी भी है ताकि लोगों को दिखा तो रहे हैं कम से कम करके ही हमारी प्रक्रिया को, तो ये प्रक्रिया सिद्ध हो चुकी है। आप अपनी निगेटिविटी को खुद भी चेक कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय ओम का जप करें, मुट्ठी में कपूर लें, लौंग लें, इलायची लें या फिर नींबू लें, कुछ भी लें और फिर बाद में उसको जला दें, इससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर वो हल्की है बहुत कम समय से है तो आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अगर एक दो साल से है तो और बहुत जल्दी भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके शरीर में रम चुकी है तो उसको फिर टाइम लगेगा, उसके लिए आपको किसी न किसी भक्त का या मनु भैया का सहारा लेना पड़ेगा। जय शनिदेव भक्तों, जय शनिदेव।